तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मच गई है। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 100 लोग घायल हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने दुख भी जताया है। दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भी गिर गया है। फिलहाल फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। वहीं 6 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। मिजोरम के चंफाई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई। वहीं आइजोल जिले के सिलायलसुक में एक और चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुछ घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उधर मणिपुर के थौबल और खोंगजोम इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए और घरों की टीन की छतें उड़ गई। मौतों को लेकर पीएम मोदी ने रविवार रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में और मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ है। उन लोगों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने चाहने वालों को खोया है। मैंने अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों की सहायता करने को कहा है। पश्चिम बंगाल में तूफान और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया मैनागुड़ी के कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राजाहाट, बर्नीश, बकाली, जोर पाकड़ी, माधबडांगा और सप्तीबारी शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रविवार को रात जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी पहुंची। उन्होंने सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट में हुए नुकसान का मुआयना और बताया कि इस डिजास्टर से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन मौके पर है और जरूरी मदद पहुंचा रहा है। वही सरकार पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशासन जरूरतमंद लोगों को के साथ खड़ा रहेगा। जो नुकसान हुआ है उससे हम वाकिफ है, लेकिन सबसे बड़ी क्षति जो जान माल की हानि ही है। मैं प्रशासन को उनके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोशिशों को धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी स्थिति को संभालने के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं।